चिकन स्प्रिंग रोल, ये मेरे चैनल पर नई रेसिपी है चिकन स्प्रिंग रोल की। चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज कैसे बनेगा स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल। तो फ्रेंड्स, हम गाजर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और अनियन जूलियन कर रहा हूँ। ये जूलियन कटिंग है लंबी। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि पहले स्प्रिंग रोल बहुत हार्ड होते थे बनाने के लिए, बहुत हार्ड होते थे क्योंकि वो नॉन स्टिक के पैन थे नहीं उस समय, कढ़ाई में बनाना पड़ता था, कढ़ाई में थोड़ा हार्ड होता बनाने के लिए। पर अब चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे बनते हैं स्प्रिंग रोल। ये ले लिया मैंने पैन, इसमें हल्का सा ऑयल तेल डाल लेंगे, तेल गर्म हो गया है, अभी डाल दिया मैंने जूलियन कैप्सिकम और अनियन, जूलियन कैप्सिकम एंड अनियन। अब इसको हल्का टॉस कर लेंगे, इसमें डाल लेंगे चिकन हमने जूलियन पहले से करके रखा है। अब डाल लेंगे पत्ता गोभी और गाजर, कैरेट और कैबेज। अब इसको भी हल्का टॉस करने के बाद नमक, वाइट पेपर, अजीनामोटो, सोया सॉस, हल्का सा विनेगर, रेड चिल्ली सॉस, अपने हिसाब से डालें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के, ग्रीन चिल्ली काट के डाल सकते हैं आप। जूलियन कटिंग में मैंने डाला है। ये हो गया रेडी, सब्जी रेडी हो गई है इसकी। अब इसको 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं, अभी मैंने पट्टे ले लिए हैं। दो स्प्रिंग रोल फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से फोल्ड करने हैं। पीस से काट लिए थे मैंने, वो पहले दो पीस कर लिए थे, एक पट्टे के जो घर में बनता है, और उसके बाद ये स्प्रिंग रोल छोटे बना रहा हूँ मैं, छोटे छोटे स्प्रिंग रोल बना रहा हूँ। तो दो कर सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करना है, और ज़्यादा देर नहीं रखना है, पट्टा
पट्टे को ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो फटने लग जाएंगे पट्टे, तो जल्दी से जल्दी इनको भर लें स्प्रिंग रोल को, जल्दी से जल्दी भर लें नहीं तो फट जाएंगे। और इनको हल्के हाथों से भरें, ज़्यादा हार्ड दबाएंगे तो फट भी सकते हैं, तो ध्यान से। और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भर दें। और इनको जब आप साइड में रखें तो किसी कपड़े से ढक के रखें, ऐसे ना रखें नहीं तो सूख जाएंगे तो फट जाएंगे जल्दी से। ये दोनों स्प्रिंग रोल बन गए हैं, अब हम और भी बना लेंगे। सारे स्प्रिंग रोल बना लिए मैंने, अब मैं इनको फ्राई कर लेता हूँ मीडियम आंच पे। डालें मीडियम टू हाई फ्लेम में, डालना है ऑयल में, ऑयल पहले से ही गर्म था ये। सारे डाल दिए मैंने, ये देख लीजिए। अब इनको बीच बीच में पलटते रहना है, बीच बीच में पलटते रहना है अच्छे तरीके से, जब तक हल्का ब्राउन कलर ना आए तब तक इनको पकाते रहें। ये देख लीजिए इनका ब्राउन कलर आ गया है, इस तरीके से हल्का ब्राउन आ गया ना कलर। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये निकाल लिया मैंने प्लेट में। अब इनको काट लेंगे बीच से, दो पीस, ज़्यादा नहीं, दो पीस काटने हैं खाली। ये हो गए जी स्प्रिंग रोल रेडी, मैंने प्लेटिंग कर ली है, ये देख लीजिए स्प्रिंग रोल रेडी हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। चलिए फिर, बाय बाय।